मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। और मैं संतोष श्रीवास्तव एक बार फिर से एक नए सेगमेंट के साथ आपके सामने हाजिर हूँ। ये सेगमेंट मेरा प्रीपोजिशन का है। इसके पहले आप एमबी के सेगमेंट्स आप सॉल्व कर रहे होंगे और 8 सेट तक उसमें मैं दे चुका हूँ। प्रतिदिन के आसपास उसमें एक एक सेट मैं डाल रहा हूँ, एक एक दिन गैप करके हो सकता है, और आप उसे सॉल्व करते रहें, उससे ज़बरदस्त फ़ायदा होगा आपको। ये सेगमेंट मेरा प्रीपोजिशन का है, जो एक क्विज प्रोग्राम के तहत मैंने रखा हुआ है, जिसमें 10-10 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। हर एक क्वेश्चन के 4-4 ऑप्शंस होंगे। सही ऑप्शन जो है वो अपनी नोटबुक में आप नोट कर लें, आप लिख लें। 10 क्वेश्चंस जब आप लिख चुके होंगे, सॉल्व कर चुके होंगे, तो उसके बाद 10 क्वेश्चंस के मैंने आंसर्स आपको लास्ट में दिए हैं। उन 10 क्वेश्चंस के एक्सप्लेनेशन भी लास्ट में आपको दे गए हैं। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें आपको एक रैंकिंग बना दी गई है कि कितने नंबर्स आप पाते हैं तो आपकी रैंकिंग क्या होगी। अगर आप 10 नंबर्स पा लेते हैं आउट ऑफ 10, आउट ऑफ 10, तो आपकी रैंकिंग बेस्ट मानी जाएगी। अगर आप 7 नंबर्स पाते हैं आउट ऑफ 10, तो आपकी रैंकिंग बेटर मानी जाएगी। और अगर आप 5 नंबर्स पाते हैं आउट ऑफ 10, तो आपकी रैंकिंग जो है वो गुड मानी जाएगी। उससे नीचे आप समझ सकते हैं, आप कहीं कहीं आपको अधिक हार्ड वर्क की जरूरत पड़ेगी। ये रखने की वजह सिर्फ इतनी है कि आप समझते होंगे इसमें बहुत सारी क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपके अलग अलग सेगमेंट्स में आपके एग्जाम्स में आपको दिए जाते हैं। आगे बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, तो मेरी कोशिश है कि आपके जितनी भी मैं हेल्प कर सकता हूँ, उस हेल्प के थ्रू आप सफल हो जाएं, यही सबसे बड़ी डिज़ायर है मेरी। तो मैं चाहूँगा आप शुरू करें, ये क्विज प्रोग्राम्स का प्रोग्राम है आपका, और आप ये तय कर लें कि आपकी पोजिशन क्या बन रही है। मेहनत से करें, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देखें। हर एक क्वेश्चन के लिए 30 सेकेंड्स आपको अलॉट किए गए हैं, तो उस 30 सेकेंड में आप आराम से कर सकते हैं। अपने आंसर्स अपनी कॉपी पे लिख लेंगे तो लास्ट में आपको खुद को देखने में अच्छा लगेगा कि हाँ, इन दस क्वेश्चंस में आपने इतने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। और ये आपका सेगमेंट जो है, ये क्लोज टेस्ट के लिए, कॉमन एरर्स के लिए, सेंटेंस फिलर्स के लिए बहुत काम आएगा। 10 क्वेश्चन है, अपने आप को आजमाइए। हर एक क्वेश्चन के लिए 1 नंबर है और रैंक आपको लास्ट में दी जाएगी। अपने आप को आजमाइएगा जरूर। आपके क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं, 10 क्वेश्चंस लगातार रहेंगे, शुरू हो जाए। अब मन लगा के करिएगा।
चलिए बच्चों, तो फिर आपके सामने आंसर्स हैं और ये आंसर्स आपके जो फर्स्ट हैं, फर्स्ट से टेंथ तक आपको दिए गए हैं। मिला लें जल्दी से जो आप आंसर्स आपने लिखे होंगे अपनी कॉपी में और देखें कि आपकी रैंकिंग क्या बनती है। अगर आपने 10 आउट ऑफ 10 पाए हैं तो आपकी रैंक फर्स्ट है, अगर आपने 7 आउट ऑफ 10 पाए हैं तो आपकी रैंक सेकेंड है, और अगर आपने 5 आउट ऑफ 10 पाए हैं तो आपकी रैंक गुड में आएगी। और कोशिश करें, ये राउंड चलता रहेगा, आगे भी मैं ऐसे देता रहूँगा 10-10 क्वेश्चंस के क्विज प्रोग्राम्स, तो आपके फायदे होगा। ये मैंने सारे के जो आंसर्स हैं उन्हें उनके साथ एक्सप्लेन कर दिया है कि प्रोफिशिएंसी इन मीन्स दक्ष होना होता है, ब्लाइंड टू किसी गलती को अनदेखा कर देना, प्रीफर टू किसी को ज़्यादा वरीयता देना, राइट इन इंक या राइट विद अ पेन स्याही में या पेन से लिखना, गो बाई एयर हवाई यात्रा करना, सिंस लॉस्ट संडे मीन्स पिछले रविवार से निश्चित है, इंसिस्ट के साथ आन लगाएं जोर देना, सस्पिशियस के साथ आफ लगाएं शक होना, राइट विद अ पेन लिखें पेन से लिखना, और फेलिशिटेट के साथ ऑन लगाएं बधाई देना, खुशी दिखाना, या बधाई देना हो जाएगा, बधाई देना लिखा है, बधाई देना हो जाएगा। तो ये एक प्रयास है आपके लिए कि आप मेहनत करें और ध्यान रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट करना न भूलिएगा, ताकि हम लोग के एनकरेजमेंट होता है और बेहतर करने की कोशिश करते रहें। थैंक यू।